आ गए हमारे पास कि सेरल्स में कौन सी क्रॉप होती है, और वीट, पैडी, राइस, मेज, मिलेट वगैरह ये सब सेरल्स में आते हैं। पल्सेस कौन सी होती हैं, ग्राम, चना, बीन, पी, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, ग्राउंड नट, ऑयल सीड्स में हमारे आ गए मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सनफ्लावर वगैरह, वेजिटेबल्स में आ गए टोमेटो, कैबेज, स्पेरिश, ये सब आ गए। अब टाइप ऑफ क्रॉप की बात करी जाती है तो साल में दो मेन सीज़न होते हैं, गर्मियों का मौसम होता है, एक सर्दियों का मौसम होता है, समर एंड विंटर, ठीक है। तो डिपेंड करता है सीजन्स के ऊपर, दो पार्ट्स में हमारी क्रॉप्स को डिवाइड कराया गया है, ठीक है। एक समर सीज़न में उगाई जाती है क्रॉप्स, एक फसल सर्दियों के मौसम में यानी विंटर सीज़न में ग्रो करी जाती है, ठीक है। अब खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, दो पार्ट्स हैं, दो ग्रुप बनाए गए हैं क्रॉप्स के। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जिनके बीज रेनी सीज़न में बोए जाते हैं, वो खरीफ क्रॉप कहलाती हैं, ठीक है। ये जून से सितंबर तक फसल तैयार होती हैं, खरीफ क्रॉप कहलाती है। और इनकी जो बुआई होती है वो जून में शुरू की जाती है, जून जुलाई के अंदर, और फिर बाद में जो मॉनसून का सीज़न होता है उसके अंदर इसमें अच्छा खासा अमाउंट इनको मिल जाता है पानी का, यानी बरसात होती है तो इरिगेशन की कमी इनकी दूर हो जाती है, पानी की जो कमी होती है। दैन उसके बाद सितंबर अक्टूबर के महीने में इनकी कटाई शुरू हो जाती है, ठीक है। कौन कौन सी क्रॉप आती है हमारी खरीफ क्रॉप के अंदर, खरीफ क्रॉप में आती है पैडी, मेज़, मिलेट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन वगैरह, ठीक है, ये खरीफ क्रॉप के अंदर आ जाती हैं। अब वो क्रॉप जो विंटर सीज़न में बोई जाती हैं, जिनका बीज बोया जाता है, और वो रबी क्रॉप कहलाती हैं, ठीक है। ये पीरियड अक्टूबर टू मार्च होता है, यानी इनकी जो बीज बोया जाता है वो अक्टूबर के महीने में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में, और मार्च से अप्रैल के बीच में इनकी कटाई होती है। वीट, ग्राम, चना, पी, मस्टर्ड, लिनन सीड, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन फसलों के, ठीक है। द पीपल हु हैव नो परमानेंट होम कंटिन्यूसली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कॉल्ड द नोमाड्स, वांडरर, टिल अबाउट 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक, दे वर कंटिन्यूसली मूविंग वांडर इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, द मल्टी पीपल एट रॉ फूड वेजिटेबल, फाउंड इन द नेचर एंड स्टार्ट हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। अब देखो क्या कह रहा है, बताया जा रहा है कि पहले ज़माने में जो लोग थे उनका कोई परमानेंट घर नहीं हुआ करता था, लगभग अब से 12,000 साल पहले की बात कह रहा है, 10,000 BC पहले, ठीक है, जो लोग थे वो नोमेड थे, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, उनका कोई ठिकाना नहीं होता था, ठीक है, और भटकते रहा करते थे काय की सर्च में, किस लिए भटकते थे, वो खाने की तलाश में भटकते थे और शेल्टर की तलाश में, क्योंकि पहले ज़माने में घर तो हुआ नहीं करते थे और खाना भी उनको पकाना नहीं आता था, तो वो खाते क्या थे, कच्ची सब्ज़ियाँ, फल वगैरह जो मिल गए वो खा लिया, जो अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने जानवरों को शिकार करना शुरू करा, और फिर उन्होंने धीरे धीरे नदियों के किनारे अपने सेटलमेंट बनाए, ठीक है, सेटलमेंट यानी कि अपने गांव बसाने शुरू करे, और फिर वहां पर जो है उन्होंने जानवरों को पालना शुरू करा, नदी से पानी लेना शुरू करा, और फिर धीरे धीरे खेती बाड़ी में वो आए, धीरे धीरे वो ये सीख गए कि कैसे खेती बाड़ी होती है। दरअसल होता क्या था कि अर्ली ह्यूमंस अपने आसपास की होने वाली घटनाओं के ऊपर नज़र रखते थे, कि यहाँ से आए हमने जंगलों में से पेड़ पौधे खाए और वहीं खा पी के फेंक दिया करते थे बीज, फिर जब दोबारा गुजर रहे हैं महीनों के बाद तो क्या देख रहे हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे उग रहे हैं थोड़े थोड़े। तो ये जो चीज़ थी इसकी वजह से इंसान के दिमाग में क्वेश्चन अराइज़ होते थे कि यहाँ तो हमने सब कुछ खा पी कर फेंक दिया, फिर यहाँ से आया कैसे। तो ये चीज़ें जो हैं इन चीज़ों की वजह से ही इंसान जो है धीरे धीरे एग्रीकल्चर में आ गया, ठीक है। एग्रीकल्चर को खेती बाड़ी कहते हैं और कृषि हिंदी के अंदर कहते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे हम, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या क्या होती हैं। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना यानी मिट्टी उखाड़ना। देखा होगा खेतों में जब भी फसल लगनी होती है तो पहले ट्रैक्टर चलता है, ज़मीन को उनमें से मिट्टी उखाड़ी जाती है, ऊपर नीचे करी जाती है, फिर सोइंग बीज डाला जाता है, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र होता है, फिर इरिगेशन, फिर उसमें जब खाद मिला दी जाती है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, फिर उसके बाद उसके अंदर पानी का सिस्टम करना होता है।